फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभी और आज बहुत ही खास दिन है। खास दिन इसलिए क्योंकि आज उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों का फेस्टिवल, मतलब कि हम लोगों का त्योहार स्टार्ट हो चुका है हरेला, और इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आज के दिन इसको बोते हैं और 9वें और 10वें दिन इसकी कटाई होगी और उसके बाद ये मेन फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उत्तराखंड से हैं, कुमाऊनी लोग हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि हरेले का त्यौहार क्या होता है। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि आज के दिन हम कुमाऊनी लोग क्या करते हैं कि 5 और 7 अनाजों को मिक्स करके आज के दिन मतलब एक अच्छी मिट्टी होती है। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक मड फेस पैक बनाया था जो मैं जंगल से लेके आई थी स्पेशली। वो मिट्टी बहुत प्योर मानी जाती है और उसी मिट्टी में मेरे घर पे मतलब उसी मिट्टी में हरेला बोया जाता है। वो 5 और 7 अनाज जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये 5-7 अनाज को मिक्स करके आज के दिन बोया जाता है। और 9वें, कुछ लोग 9 दिन में काटते हैं, कुछ लोग 10 दिन। और एक्चुअली मेरे मायके में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ससुराल में तो यहाँ पे नहीं मनाया जाता। तो मैंने सोचा था इस बार जब लियानू आ चुका है तो हमने सोचा था कि लियानू आ गया है तो मैं हरेला स्टार्ट कर दूंगी, मतलब क्योंकि हमारे बच्चों को भी हमारे रूट्स का बारे में पता होना चाहिए, हमारे कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मैं सारे ट्रेडिशन में सारी चीजें फॉलो करती हूँ उत्तराखंड की, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा मतलब मेरे बच्चे आए, मतलब मेरे आगे फैमिली बढ़े, लियानू आए, तो इन सबको उत्तराखंड के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में सब कुछ पता हो और ये हमारे कल्चर से अटैच रहे, जुड़े रहे। और मैं तो इवन ये भी चाहती हूँ कि आजकल लोग पहाड़ी बोलने में शर्माते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि लियानू को भी मैं पहाड़ी सिखाऊं। और वो जो मैं बात अभी कर रही हूँ ना, जैसे कि मैं बलाणो बोल रहा हूँ ऐसे ही, जैसे मैं प्योर पहाड़ी बोलती हूँ वैसे लियानू भी पहाड़ी। नेक्स्ट ईयर से लियानू भी हमारे साथ सारे पहाड़ी त्यौहार मनाएगा, मतलब सारे तो हम लोग मनाते हैं, सिर्फ हरेला नहीं मनाते थे, नेक्स्ट ईयर से लियानू भी त्यौहार मनाएगा। और जिस मिट्टी की मैं बात कर रही थी, जिस मिट्टी में हम लोग क्या करते थे कि आज के दिन उगाते हैं अनाज, वो ये वाली मिट्टी है, ये दीमक के टीले की मिट्टी है। इस मिट्टी को क्या करते हैं कि पहले छान लेते हैं अच्छे से, इसको ऐसे ऐसे से करके बारीक करके इसमें अनाज उगाया जाता है। तो ये मेरा बहुत लंबा चौड़ा भाषण हो चुका है तो मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो चलते हैं अभी लियानू क्या कर रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि आज मुझे ना लियानू को करना था फोटो सेशन, लेकिन वो दिन भर सोया है क्योंकि रात को उसको जगना होता है और मैंने उसके लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस बनाई थी। तो चलते हैं फटाफट लियानू के पास और ये लंबा चौड़ा भाषण करते हैं, यही खत्म। और इसका मुझे बनाना है फेस पैक, मतलब इसे मुझे अभी फेस पे भी लगाना है। तो पहले फटाफट लियानू को देख लेते हैं, अगर लियानू उठा है तो उसका हम लोग फोटो सेशन करते हैं, अगर नहीं उठा है तो फिर मुझे ये मड फेस पैक लगाना है अपने फेस पे और मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद मेरा फेस कितना ग्लो करेगा इस मिट्टी। ना अभी सो रखा है तो आज मेरा फोटो सेशन तो हो ही नहीं पा रहा, मतलब 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं इसका फोटो सेशन करूँ लेकिन हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि या तो रोता रहता है या फिर क्या कहते हैं सोता रहता है, दो ही काम है इसके। तो जब तक ये उठेगा नहीं तब तक मेरा फोटो सेशन कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि थोड़ी स्माइल वगैरह भी चाहिए बेबी की, सोते हुए तो 1 मंथ में हो जाती है लेकिन अभी क्या है, थोड़ा स्माइल रहेगा तो फोटोज अच्छी आएंगी, इसकी मेमोरीज रहेंगी, आगे देखेगा इसे बहुत मजा आएगा ये सारी चीज़ें अपनी। तो अभी पता है क्या, मेरी बालकनी बहुत ही गंदी हो रखी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हाल हो रखा है मेरी बालकनी का, कबूतरों ने क्या हाल किया हुआ है। बाहर बालकनी इतनी गंदी हो रही है मेरी, ये देखो, और यहाँ पे ना कबूतर ने अंडे दिए। हेलो कबूतर, कुछ छेड़ते नहीं है, ये गुस्सा करेगी नहीं तो, उसके दो ना अंडे हैं यहाँ पे। और ये मेरा पुदीना और ये बेल, अभी पानी देना है इसमें। ये गुड़हल पौधा, ये बेल हो रही है लेकिन इन्हें सूख रही है यार। अच्छा वाह, ये वाली बेल तो अच्छी हो रही है, क्या है ये, तोरई की थी। और ये इसकी ना अभी कटिंग करने हो रही है, इसकी कटिंग करूँगी मैं सोची उसकी कटिंग अभी कर दूँ और ये बहुत सुंदर सा लगेगा उसके बाद। और कबूतरों ने ये हाल किया हुआ है और अब मैंने इस पेड़ की कटिंग करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं लेके आती हूँ कैची, मतलब सीजर और कैची लेके आती हूँ जल्दी से और उसके बाद कटिंग करूँगी। और अनिल ऑफिस से आएगा तो अनिल देखेगा कि मैंने आज क्या किया हुआ है, क्योंकि अनिल मुझे बोलता है पूरे दिन तुम करती क्या हो, तो मैं ले आती हूँ अभी। और हमारे वहाँ पहाड़ी गाने चल रहे हैं, बोल ही रहा बोल। कैची और इसकी करती हूँ मैं जल्दी से कटिंग, क्योंकि अनिल के ऑफिस से आने से पहले मुझे कटिंग कर देनी है इसकी। अब देखो थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मेरे लिए देखो, इसको मैं पहले खिसकाना पड़ रहा है मुझे।
और मेरा हो चुका है ये काम पूरा, और पेट की मेरी पूरी कटिंग हो चुकी है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये देखो, और कुछ वेस्ट भी थे इसमें से जो मैंने हटा दिए पूरी तरह से, बहुत अच्छे से मैंने कर दिया है। और अनिल का भी ऑफिस का आने का टाइम हो चुका है, आई थिंक अनिल भी आ चुका होगा। तो मेरा काम कंप्लीट, अब जाती हूँ अंदर देखती हूँ। ओ अनिल आ चुके हैं, महाराज आ चुके हैं। हाँ जी मैं आ चुका हूँ, तुम कहाँ पे हो तब से, आवाज भी लगा। ये देखो मैंने क्या किया होगा, तुमने कोई कर्तव्य किया होगा मुझे लग रहा है जो क्या कर्तव्य किया होगा, कर्तव्य किया होगा, क्या कर्तव्य किया होगा, कैंची लेके तुम क्या करोगी, कुछ किसी गर्दन तो नहीं उड़ा दी। अच्छा आ जाओ दिखाओ क्या किया, जल्दी आओ बाहर है सर। शटर पटर शटर पटर देखते जरा इसके भी, ये देखो बट इसका अच्छा कटिंग। हाँ देखो कैसा लग रहा है, वेरी गुड, सही लग रहा है, शेप तो बड़ी अच्छी है। ऊपर देख, ऊपर से देख, यहाँ से पता चलेगा। हाँ हाँ अच्छी आई है, मैं कहती हूँ बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड। मैं काफी दिन से बोल रही थी ना करना है, लेकिन पता है काम बढ़ गया है। ये सफाई वाला ना, सफाई वाला। अरे ये दो पुतले भी आ गए क्या? हाँ ये हो गए दोबारा से। चलो लोग दिखाएंगे बाद में कैसा होता है, कैसे बनते हैं। हमने तो कई सारे हो गए यार यहाँ पे, तो कम से कम 10वीं बार है ये बच्चे का अंडा। ये पता है हम जैसे ये देखे कबूतर के अंडे, कम से कम 10वीं बार है। जगह पता कितनी बार चेंज हुई, पहले ये इधर कोने में रखते थे, फिर हमने यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा ज्यादा वो खराब हो जाता था, तो हमने इनके लिए कोने में जगह बनाई इधर, लेकिन फिर वहाँ पे छोड़ के इन्होंने अब वहाँ से इधर आ गए, क्योंकि यहाँ पे देखो बारिश वारिश नहीं होती, तो इनको ऑटोमेटिकली पता है कि क्या होता है। और सभी ये देखो ये अच्छा लग रहा है बस, लेकिन अनित काम ये तुम्हें ये सब साफ करना पड़ेगा, देखो पानी भी डालना है। मेरी बीवी के चार काम मिलने फ्री वो रहते हैं, ऑफिस जाने से पहले पानी डालना ये सब करना, और आने के बाद अभी मैं थका था, ये नहीं करेगी आराम कर लो, कह रही है कि मैंने कटिंग कर दी बाकी तुम कर दो। नहीं नहीं धन्य हो, धन्य हो करने में, देखो मैंने इतनी मेहनत करी है, करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यार थोड़ी थकान होती है तो कभी तो समझना चाहिए यार, ये तो कोई समझिएगा ना जो बेचारा धूप में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, आप मेरे बाल काट दो और कुछ नहीं बचा। ये सौरत का कोई क्या करे, पहले ही कांड कर चुकी है एक बार, आपने देखा होगा। पानी भी डालना है सूख रहे, तो तुम बाल्टी लेके आओ, मैं जग से डालती हूँ, बाल्टी लेके आओ प्लीज पानी की। ये देख रहे हो क्या वो हो रहा है, कैसा अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, कोई नहीं कह रहा कि मैं आराम कर रही होती है। इसकी सफाई होगी आराम से, क्योंकि कबूतर ने बहुत ज्यादा पॉटी कर रखी है, अभी शाम का टाइम, तो आज का ब्लॉग अब यही बंद कर देंगे। अभी तो कह रही थी अंदर, ये देखो कैसी है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, नहीं कुछ कहती है, इसको रखती हूँ अभी अंदर। तुम क्या क्यों भी साथ भी कोई वाला पोज दे रही हो क्या, मैं अंदर आ रहा हूँ ऐसे करते करते, ऐसे पकड़ से वो है, अभी रुक जाओ। वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे डिनर बनाना है, और मट फेस पैक में कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पता है क्यों, क्योंकि जो ये कहती है वो ये नहीं करती, और जो ये नहीं करने वाली होती है वो कर देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कल करेगी उसके लिए अभी से बोल देगी, पर ये वो नहीं करेगी, और जो नहीं करना होगा वो ये कर देगी, तो क्या बोल रही, करेगी नहीं, करेगी ऐसा कुछ नहीं है। और ये है कि एक्चुअली मेरा काम हो गया था यार, वो अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं बहुत अच्छा लग रहा था, तो करना है, क्योंकि और बालकनी साफ करनी थी, बहुत दिनों से मेरे को बालकनी साफ करनी, साफ करनी अच्छे से और करनी है, कल का हम कल ही देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो करने वाली होती है वो नहीं करती है, जो नहीं करने वाली होती है वो कर देती है, जो अभी करेगी तो तब हम बात करेंगे किसने कर दिया। कल की वीडियो में चलो कल के हम यही देखेंगे, ओके करते हैं इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। सुनो कर देना, तुम्हारा टैक्स नहीं जाएगा पहली बात, और तुम पे अगर कमेंट भी कर दोगे तो कोई जोर नहीं पड़ेगा, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी, बाय।